आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। बेगूसराय में नियोजित शिक्षा के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। सेवा शर्त कमेटी का पुनर्गठन नियोजित शिक्षकों के साथ क्रूर मजाक ही नहीं बल्कि ढकोसलाबाजी भी है। सहायक शिक्षक का दर्जा व सम्मान सेवा शर्त की घोषणा करे सरकार, नहीं तो विरोध जारी रहेगा। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। बिहार सरकार के खिलाफ बढ़ रहा शिक्षकों में आक्रोश चुनाव में भारी पड़ेगा। शिक्षक संगठनों से अविलंब वार्ता कर समान वेतन समान सेवा शर्त दे राज्य सरकार। नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त के लिए 5 वर्ष पूर्व ही कमेटी गठित हुई थी, आज तक कमेटी सेवा शर्त नहीं बन सकी है। सेवा शर्त की घोषणा करने के बजाय सरकार सेवा शर्त कमेटी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित करे। सेवा शर्त देने के बजाय कमेटी के पुनर्गठन का ढोंग करने वाली सरकार के खिलाफ टीईटी पीईटी शिक्षकों का आक्रोश फूटता हुआ दिख रहा है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। 5 साल बीतने को आया, अभी तक कमेटी ने अपनी सिफारिश नहीं दी, सेवा शर्त बना करके सरकार को नहीं दिया। अभी जब फिर से चुनाव आया है तो यह सरकार 5 साल पहले बनी हुई सेवा शर्त कमेटी का फिर से पुनर्गठन कर रही है और शिक्षकों को यह लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है कि कमेटी का पुनर्गठन कर रहे हैं और आप लोगों को हम सेवा शर्त देंगे। बिहार का शिक्षक इस बात को बखूबी समझ रहा है, जो सरकार 5 साल में जिस सरकार के द्वारा बनाई गई सेवा शर्त कमेटी सेवा शर्त नहीं दे सकी, इन चुनाव से पहले कमेटी के पुनर्गठन से सेवा शर्त कितना आएगा, इस बात को बिहार के शिक्षक अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 78 दिनों की हड़ताल इस शर्त पे समाप्त हुई थी कि अनलॉक शुरू होता है, शिक्षक संगठनों के साथ वार्ता करेंगे और वार्ता करने के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त दिया जाएगा और उनके जो वेतन संबंधी मांग है उस मांग पर भी गंभीरता के साथ निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यह सरकार शिक्षकों के समान वेतन समान सेवा शर्त जैसे मसलों पे और जिन मसलों पे शिक्षक हड़ताल चल रही थी उन तमाम मसलों पे कान में तेल डालकर बैठी हुई है। तो सरकार जिस तरह से बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है उसके खिलाफ बिहार के शिक्षकों में तीखा आक्रोश है। कमेटी के पुनर्गठन की जो नौटंकी है उसके खिलाफ में, उस ढकोसलाबाजी के खिलाफ में बिहार का शिक्षक समाज सड़कों पे उतर के अपना प्रतिवाद दर्ज कर रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है, समान वेतन समान सेवा शर्त के मसले पे पहले भी सरकार से बात हुई है, सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेने का वार्ता का करने का आश्वासन दिया था, अनलॉक शुरू हो गया है, अब तक वार्ता क्यों नहीं हुई है। जितनी जल्द से जल्द हो सके सरकार शिक्षक संगठनों से वार्ता करे और समान वेतन समान सेवा शर्त अविलंब बगैर किसी शर्त के शिक्षकों के लिए उसकी घोषणा करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार का शिक्षक समाज जिसकी तादाद 4 लाख से भी अधिक है वो चुप नहीं बैठने वाला है। एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में सरकार को शिक्षकों से भी टकराना होगा। शिक्षक सरकार के खिलाफ में इस सरकार को बदलने के पूरे मंसूबे के साथ सड़कों पे उतरेंगे और इस सरकार को बदलने के लिए अपना तन मन धन पूरी तरह से झोंक देंगे, मजबूती के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अगर समान वेतन समान सेवा शर्त की घोषणा सरकार शिक्षकों के लिए नहीं करती है तो